नमस्कार बच्चों, कल हमने उपसर्गों के विषय में पढ़ा था। आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं? हमारा आज का जो विषय है वो अव्यय रहेगा। अव्यय होते क्या हैं? ये भी शब्द ही होते हैं उपसर्गों की तरह, लेकिन जैसे कि संस्कृत भाषा के अंदर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, यानी वो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द कभी परिवर्तन उनमें नहीं होता है। वो हर प्रकार की परिस्थिति में किसी भी धातु लिंग में एक समान रहते हैं, लेकिन ये बदल जाते हैं। जैसे राम, अगर इसमें हम ये विकारी शब्द की तरफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। जैसे विभक्तियां लगाएंगे तो राम शब्द है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में तो रामू रूप बन गया इसका। अगर तृतीया विभक्ति द्विवचन में देखेंगे तो रामाभ्याम बन गया। लेकिन यदि हम अविकारी शब्द देखें, जैसे पुनः, सर्वत्र, अत्र, तत्र, बहुत सारे अव्यय पद होते हैं, अविकारी पद होते हैं, और जो अविकारी पद होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब इसको हम अलग अलग करके देखते हैं तो अ और व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च हो जाना, व्यय हो जाना, और अ का अर्थ नहीं, यानी जो व्यय नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अब खर्च कहाँ नहीं होता है? खर्च का मतलब वही चीज यहाँ पर, परिवर्तन। कहाँ नहीं होता है? किसी भी स्थिति में, चाहे कौन सा भी लिंग हो, कौन सा भी पुरुष हो, कौन सी विभक्ति हो, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आज का हमारा गृह कार्य क्या रहेगा? निम्न अवयवों का वाक्य में प्रयोग करो। अभी, नाना, यत्र, सर्वात्र, विना। दूसरा प्रश्न, अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरो, यानी इस मंजूषा में से आपको अव्यय पद इन खाली स्थान में भरने हैं। तो पहला हमारा, जीवनम खालिस्तान जीवनम दुर्भम वर्तते। खालिस्तान समय से सदुपयोग है करनी है। एक खालिस्तान मानी चात के वने वस्ती। खालिस्तान राजानम मुनि उवाच। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अवश्य समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।